अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वकार बिन जमाल। सो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बातचीत करेंगे। मुझे इनबॉक्स में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, दैट हाउ स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक क्वेश्चन मुझे अक्सर देखने को मिलता है वो ये होता है कि सर हमें टेंसेस भी आते हैं, हमें एक्टिव पैसिव भी आते हैं, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं, उसके बावजूद भी हम जो है ना वो इंग्लिश सही से लिख नहीं पाते और बोल नहीं पाते, तो इसके क्या रीजंस हैं, काइंडली हमें गाइड करें, हम कैसे सीख सकते हैं। तो इन सवालों का जवाब देने की आज मैं कोशिश करूँगा। सो होपफुली कि आपके लिए एक अच्छा सेशन होगा। एंड तक वीडियो को सुनिएगा और सारी चीज़ों को आप बेशक पिन डाउन कर लें, आप लिख सकते हैं अपने पास, बेशक डायरी ले लें साथ, या इसको डाउनलोड करके बार बार सुन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेथोडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। सबसे पहले जो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लर्निंग में या इंग्लिश सीखने में जो सबसे बड़ी हर्डल आती है, दैट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दैट इज़ GTM। तो मीन्स टू से कि हमारे जो पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सबसे मेन या बेसिक प्रॉब्लम है वो रॉन्ग मेथोडोलॉजी है फॉर लर्निंग लैंग्वेज, देर यूजिंग अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी। तो अब आपको जो है ना अपनी मेथोडोलॉजी पर सबसे पहले काम करना है। अगर आपकी मेथोडोलॉजी ठीक हो जाएगी तो आप पूरी तरह से लैंग्वेज को कुछ थोड़े से टाइम के अंदर जो है ना आप सीख पाएंगे। आप देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इवन ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12-14 साल पढ़ने के बाद भी वो इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते सही से। और एक आम आदमी जो बाहर किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाता है वो 1-2 साल में उनसे बेहतर इंग्लिश बोल रहा होता है। व्हाट इज़ द रीज़न? तो अब इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मेथोडोलॉजी का क्या रोल। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से आप पंजाबी सीखते हैं, आप उर्दू सीखते हैं, क्या आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है पंजाबी या उर्दू सीखने के लिए? उर्दू ग्रामर पढ़ाई जाए, पंजाबी ग्रामर पढ़ाई जाए, गोजरी ग्रामर पढ़ाई, कोई ऐसी ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है ना वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज सीखने के लिए जो लैंग्वेज लर्निंग क्रोनोलॉजी है उसको फॉलो करना है। सेम क्रोनोलॉजी जो आपने उर्दू और पंजाबी सीखने के लिए फॉलो की है वही क्रोनोलॉजी आपको इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो करनी पड़ेगी। और वो लैंग्वेज लर्निंग क्रोनोलॉजी क्या है? लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अनफॉर्चुनेटली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हम डायरेक्टली जो है वो रीडिंग राइटिंग से स्टार्ट कर रहे होते हैं। पहली जो दो स्किल्स हैं लिस्निंग और स्पीकिंग, इन दोनों स्किल्स को हम मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना 12-14 साल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी जो है ना हम वो सीख नहीं पाए। उसकी रीज़न ये भी है कि हम इंग्लिश को एक एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जब इंग्लिश को आप एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये आपके लिए सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो माय फर्स्ट सजेशन इज़ दैट नो ट्रांसलेशन। आपने उर्दू बिल्कुल अपनी जो है ना लैंग्वेज लर्निंग में इंग्लिश सीखने के लिए उर्दू को मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दें। यूज़ डायरेक्ट मेथड से आपने इंग्लिश को सीखना है। और आपको क्यों उर्दू को एक्सक्लूड करना चाहिए, क्यों ये ता है ती है वाली जो इंग्लिश है जिसने सारा बेड़ा गर्क किया है, आप जो उर्दू से आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये क्यों मुश्किल है? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट दीज द टू डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देर इज़ नो रिलेशनशिप, देर इज़ नो सिमिलैरिटी इन दीज टू लैंग्वेजेस इन द स्ट्रक्चर, इन द वोकैबुलरी। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है दैट इज़ डिफरेंट। एक में इंग्लिश का अगर आप देखें तो इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उर्दू का है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो दोनों का जब सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो ही डिफरेंट है, तो आप दोनों लैंग्वेजेस एक साथ इकट्ठे एक ही क्लासरूम में कैसे सीख सकते हैं? ये एक बड़ी हर्डल है। दूसरी, आप मैं आपको एक और चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ वोकैबुलरी के रिलेटेड। उर्दू में जेंडर आइडेंटिफाई होता है वर्ब से, इंग्लिश में जेंडर आइडेंटिफाई होता है प्रोनाउन से या सब्जेक्ट से। ठीक है, प्रोनाउन से अगर आप बात करें, हम कहते हैं कि शी गोज़ टू स्कूल, तो शी से हमें पता चल रहा है कि दैट समवन हु इज़ गोइंग टू स्कूल दैट इज़ फीमेल लेडी। ठीक है, और उर्दू में वो स्कूल जाती है
टी है जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसका जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। सो ये पहले अंडरस्टैंड कर लें कि दोनों लैंग्वेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों लैंग्वेजेस को इकट्ठा नहीं सीखा जा सकता। सो इन कंक्लूडिंग दिस कि जो GTM मेथड है दैट इज़ रॉन्ग टू लर्न अ लैंग्वेज टू एक्विजिट अ लैंग्वेज। सो इसलिए आपने सबसे पहले GTM मेथड को छोड़ना है और डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट करना है, मकम्मल तौर पर इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना है, ठीक है। उसके लिए आपने सबसे पहला काम लिसनिंग करनी है। लिसनिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपका दोस्त नहीं, आपको कोई बोलने वाला नहीं, मोहल्ले में नहीं, घर में कोई बोलने वाला नहीं, तो आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? इस दौर में आजकल के इस मॉडर्न इन्फोटेक में आप ये नहीं कह सकते कि आपको फैसिलिटीज नहीं मिली, बिकॉज जिस लेवल तक टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज इंटरनेट में मौजूद हैं उसका इनकार नहीं किया जा सकता। यू कैन यूज हेलो टॉक ऐप, इस पे आप इंटरनेशनल फ्रेंड बना सकते हैं। ये ऐप एक स्पेसिफिकली सिर्फ जो है ना वो लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है। इस पे आप लैंग्वेज पार्टनर ढूंढते हैं, आप एक नेटिव एक पार्टनर अपना अपनी एज का देख लें, उसके साथ गपशप करें। व्हाट कुड बी द अदर वे ऑफ लिसनिंग, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है तो और आप क्या कर सकते हैं, आप टेड टॉक सुन सकते हैं, आप अलजीरा, आप जो CNN है, अलजीरा तो खैर उसमें सारे नेटिव स्पीकर नहीं होते, बरल CNN, BBC और इस तरह के जो दूसरे चैनल्स हैं, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टेड टॉक सुनने का, मैं टेड टॉक सुनता हूँ। और इस तरह से अगर किसी को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो एनिमल डॉक्यूमेंट्री निकालें और उनको सुने। तो सबसे पहले अपनी लिसनिंग पे काम करें, जब आपकी लिसनिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पैटर्न एडजस्ट हो जाएंगे। डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट व्हाइल स्पीकिंग, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट फर्स्ट इन उर्दू एंड देन स्पीकिंग, डोंट डू दिस, डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के बारे में सोचें दैट हाउ यू कैन डू और हाउ यू कैन थिंक दिस एक्टिविटी इन इंग्लिश। तो अपनी थिंकिंग, अपनी लिसनिंग से, इस चीज़ों से आप जो है ना अपनी इंग्लिश में डायरेक्टली सोचना शुरू कर देंगे, राइट। द सेकेंड थिंग इज दैट अपनी स्पोकन पे काम करें। स्पोकन पे कैसे काम, इफ देर इज नो बडी, देर इज नो फ्रेंड दैट कैन हेल्प यू इन दिस प्रोसेस, यू कैन गो इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, वहाँ पे शीशे के सामने आप बोल सकते हैं, आप अपने से बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड बना सकते हैं, या आपका कोई अपना दोस्त जो इंग्लिश सीखना चाह रहा है उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। आज के दौर में ऐसा मतलब बिल्कुल बहुत ही आसान है ये करना, और ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही या मैं कैसे सीखूँ। सो ये चीज़ आपको अपनी अंडरस्टैंड कर ली। देन आपने, अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं या आपको प्रोफेशनली इंग्लिश अपनी आपको चाहिए, ये तो लिसनिंग जो स्पीकिंग मैंने बताई है ये तो आम ऑर्डिनरी आदमी के लिए, ये अगर वो कर लेगा तो उसकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अब जो कंपिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको क्या करना है, उनको रीडिंग पे काम करना है, देन राइटिंग की तरफ जाना है। पहले रीडिंग पे काम करना है, और रीडिंग में क्या करना है, डॉन पढ़ना है, ट्रिब्यून पढ़ना है, नहीं पढ़ना। डॉन और ट्रिब्यून आपकी अंग्रेजी को ख़राब करते हैं, बिकॉज डॉन और ट्रिब्यून के अंदर जो राइटर्स लिखते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम GTM मेथड से पढ़े हुए हैं, उनकी राइटिंग में, उनके इंग्लिश स्क्रिप्ट में उर्दू रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सो आपको नेटिव राइटर्स को पढ़ना है, और कौन से नेटिव राइटर को, कहाँ पढ़ सकते हैं आप एटलांटिक पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ सकते हैं, डिप्लोमैट पढ़ सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी पढ़ सकते हैं, ये वो बहुत सारे मैंने आपको स्टफ बता दिया जो नेटिव राइटर से, जिसमें लिखते हैं नेटिव राइटर, वो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका एक्सप्रेशन बेहतर हो जाएगा। तो रीडिंग करेंगे आप, और देन आप राइटिंग की अगर आप बात करें तो कि राइटिंग में जो है ना वो आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब आपने कोई स्क्रिप्ट पढ़ा है, कोई आर्टिकल पढ़ा है इकोनॉमिस्ट का, या आपने एटलांटिक का पढ़ा है, तो आप उसको क्या करें कि उसको, उसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको अंडरलाइन करें, उनको अंडरलाइन करें और समझें कि वो क्या। पहली कोशिश ये करें कि वोकैबुलरी को कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड करें। जब आपको कॉन्टेक्चुअली वोकैबुलरी को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आप यूज से सीखेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगा, डू नॉट ट्राई टू क्रैम द लैंग्वेज, लर्न टू यूज इट, यूजेज ऑफ वोकैबुलरी सीखी। आप जो है ना वो याद मत करें। मैं एक दफ़ा एक स्कूल के अंदर लेक्चर दे रहा था इसी डायरेक्ट और GTM मैथड को लेके, तो एक बच्चे ने मुझे सवाल किया, सर कि हम जो है ना, हमें उर्दू डिक्शनरी तो देखनी पड़ती है, हम उर्दू के बगैर कैसे पता चल जाएगा कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, जबकि हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है।
मैंने पूरी क्लास से पूछा, मैंने कहा चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं एक मिनट के लिए, आप मुझे बताएं करप्शन का क्या मतलब है, करप्शन का उर्दू में मतलब क्या है। पूरी क्लास में से एक बच्चा भी इसका मतलब नहीं बता सका कि एग्जैक्ट उर्दू में जो मतलब है वो नहीं बता सका। लेकिन क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उन्हें पता था करप्शन होती क्या है, करप्शन का आइडिया था उनको, ये यूज़ करना मतलब करप्शन के वर्ड को यूज़ करना आता था लेकिन उन्हें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता था। तो मेरा जवाब यही था कि आप इसी तरह से सीख सकते हैं, कोशिश करें कि जो वर्ड आपने उर्दू में सीखे हुए हैं इंग्लिश के जिनमें उर्दू में मीनिंग सीखे हों वो भुलाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस वर्ड के एक पर्टिकुलर यूज़ तक। वो जो उस वर्ड के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर एक वर्ड यूज़ हो रहा है तो उस वर्ड के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको वही उर्दू मीनिंग जो आपने उसका सीखा हुआ आप उसी तक महदूद रहेंगे। सो डायरेक्टली आपने इंग्लिश में इंग्लिश यूजेज सीखना है, वोकेबलरी का वोकेबलरी यूजेज सीखना है डायरेक्ट ट्रांसलेशन के साथ कॉन्टेक्स्ट में। अगर कॉन्टेक्स्ट आप नहीं मिल रहा आपको तो आप गूगल कर सकते हैं। और देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो डिफरेंट फ्रेजेज होती हैं लाइक न्यूज़पेपर के अंदर मुख्तलिफ फ्रेजेज, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वहाँ पे लिखा होता इफ़ हिस्ट्री बी द गाइड, जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जिसका मतलब है इफ़ वी ग्लांस एट हिस्ट्री या इफ वी पीप इन टू द विंडो ऑफ हिस्ट्री, ठीक है हिस्ट्री सेज। तो ये मैंने एक ही बात के लिए कोई चार पाँच मुख्तलिफ एक्सप्रेशन बताया। इस तरह से आप जो जो नेटिव राइटर्स के न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से आप जो है ना वो एक्सप्रेशंस बोल कर सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, उन एक्सप्रेशंस को आपने रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स में यूज़ करें, ठीक है। तो जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज को उतनी आपके लिए आसान हो जाएगी। लैंग्वेज याद की नहीं जा सकती, ये सरे से ये मेथोडोलॉजी ही रॉन्ग है लैंग्वेज को याद करना, और ये ता है ती है वाली इंग्लिश। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, कम्पेटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स की इंग्लिश देखता हूँ, मैं इंग्लिश स्क्रिप्ट देख के ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये बच्चा ओए लेवल्स का है या ये बच्चा जीटीए मेथड से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो सीएसएस में मेजॉरिटी जो लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं या क्वालिफायर हैं वो या तो आप लम्स ग्रेजुएट हैं, फॉरेन ग्रेजुएट हैं, या बीकन हाउस से क्योंकि उनकी बेस बनी हुई है, तो दूसरे लोग बहुत कम हैं। वजह यही है कि उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, उन्होंने लैंग्वेज को डायरेक्ट मैथड से सीखा होता है। तो आपको लैंग्वेज को डायरेक्ट मैथड से सीखना है। तो जब आपने राइटिंग आपने रीडिंग की वहाँ पे ये एक्सप्रेशंस नोट किए, उन एक्सप्रेशंस को आपने अपनी डायरी में लिखा, आपने यूज़ किया, फिर आप उसका सिंटैक्टिकल एनालिसिस करें, ठीक है उसका सिमेंटिक एनालिसिस करें उस जो जो स्क्रिप्ट आपके पास मौजूद है, अपने टीचर से एवेल्यूएशन करवाएं। अब आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद क्या किया आपने उस आर्टिकल को कि उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लिया और उसकी प्रेसी करें, उसको प्रिसाइज करके समरी की फॉर्म में आप 7 से 8 लाइन या एक पैराग्राफ या एक पैसेज लिख के आप अपने इंग्लिश के टीचर से एवेलुएट करवाएं। जब वो आपको एवेलुएट करेगा आपकी मिस्टेक्स बताएगा, आपको बताएगा कि आपको कनेक्टर्स लगाना नहीं आते, आपको नेचुरल कोहिन प्रोड्यूस करना नहीं आती, आप किस तरह से नेचुरल कोहिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन यू कैन मेक इट फाइन, उससे बेहतर कर सकते हैं आप सीख सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स पर आप काम कर सकते हैं। तो ये वो पैटर्न है जिसको अगर आप मसलसल 4-5 महीने इस पर काम कर लें तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। इन चारों स्किल्स को तरतीब के साथ, मतलब पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, इस तरतीब के साथ अगर आप इनको एक बैलेंस अप्रोच से लेके चलते हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आप स्टिल उसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बीच में ला रहे हैं और ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि इसका उर्दू में ये मतलब है, इंग्लिश में ये मतलब है, तो आप अटके ही रहेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग अक्सर जीटीएम की बात करते हैं, उर्दू के अंदर आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है दी या हम अगर वॉवल दी या दा जो हम बोलते हैं इसको, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरबिक में है अल और इंग्लिश में है लेकिन उर्दू में एग्जिस्ट नहीं करता। यही रीज़न है कि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल में बड़ी उनको मसला होता है, जहाँ लगाना होता है वहाँ लगाते नहीं हैं, जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ लगा देते हैं। ये वही रीज़न है कि आपने नेटिव राइटर्स को नहीं पढ़ा, आप पाकिस्तानी ग्रामर्स को पढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर आप एक इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो आपको माइकल स्वान को पढ़ना चाहिए, ठीक है, और अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रेनन मार्टिन पढ़नी चाहिए, और माइकल स्वान भी इक्वली इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, और या फिर आप जो रेमन माफी की बुक है एसेंशियल यूजेज ऑफ ग्रामर वो पढ़ लें। तो नेटिव राइटर की ग्रामर को पढ़ें काइंडली, ये जो पाकिस्तानी राइटर्स की ग्रामर हैं इनको अगर आप
और पर्पस के लिए, लाइक आप वोकैबुलरी के लिए यूज करेंगे तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ग्रामर, अपनी एक्सप्लिसिट ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं, डू नॉट रीड पाकिस्तानी ग्रामर्स, ग्रामेरियंस, ठीक है, पाकिस्तानी बुक्स को ना पढ़ें, और जो फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं और इस तरह की बुक्स को जो है ना आप एक्सप्लिसिट ग्रामर के लिए यूज करें। सो प्रैक्टिस करें। अब ये मैंने ऑलमोस्ट मेथोडोलॉजी आपके सामने डिस्कस कर दी है कि इस क्रोनोलॉजी से लेके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सीखना। एवेल्यूएशन का इक्वली इंपॉर्टेंट है एस्पायरेंट्स के लिए, जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हैं उनको लेके। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस देख सकूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस जो मुझे अभी तो फिलहाल शायद स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, पर्टिकुलर दैट हाउ स्टूडेंट कैन लर्न इट बेटर, तो वो पूछ सकता है, तो मैं उसका आंसर करने के लिए इस वक्त तैयार हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करें कि किस तरह की एग्जामिनर, किस तरह के बीइंग एन एग्जामिनर एन एवेल्यूएटर, मैं किस तरह की इंग्लिश पसंद करता हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो कॉन्टेंट आता है। लाइक मैं अभी ऐसे देख रहा था ये, ठीक है, आप इस तरह का मेरे पास, मैं बीइंग एग्जामिनर, आप में जब मैं किसी चीज़ को एवेल्यूएट करता हूँ तो मैं क्या चीज़ देखता हूँ, जो स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल वर्ड यूज़ कर रहा हो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे क्या किसी भी एग्जामिनर को पसंद नहीं आता। आपने वोकेबुलरी जो चॉइस करनी है वो इस तरह से करनी है, आपने इस तरह के आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, आपके पैसेज में इस तरह की वोकेबुलरी हो कि एग्जामिनर को डिक्शनरी ना देखना पड़े। अगर आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट के लिए एग्जामिनर को डिक्शनरी देखनी पड़ रही है, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द एप्ट प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप मुनासिब जो यूजेज है या उनका जो इस्तेमाल है वो सीखना चाहते हैं तो आप सिंपल वोकेबुलरी इस्तेमाल करें, जहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट से, ये एक बड़ा आर्ट है कि आपने एक डिफ़िकल्ट वर्ड लिखा हुआ जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट से अगर आप मुझे समझा देते हैं उसका मीनिंग क्या है तो आप बेहतरीन राइटर हैं, आप आसानी के साथ जो है ना वो कंपेटिटिव एग्जाम्स जो है ना वो पास कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको, मैं डोमेन को, मेथोडोलॉजी को, लर्निंग मेथोडोलॉजी को कवर किया है, होपफुली इट वुड बी वेरी हेल्पिंग फॉर यू। तो अगर आप में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को कवर करूँगा और पर्टिकुलरली ऐसे राइटिंग के हवाले से बात करूँगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।